ऐसे लगा यहाँ कोई था। भाई आपकी तनु होगी, चांद देखने आई होगी वो भी। जानते तक नहीं हो और कितने बेचैन हो। दी उसके आने से ही तेरा ये हाल है। और उसे देखा है मैंने जब वो तेरे बारे में पूछ रहा था। क्या? वो मेरे बारे में पूछ रहा था? हाँ दी, अब समझ में आई। किस्मत, कायनात की बातें, तेरे चांद की बातें, तुम दोनों के बीच में कुछ है जिसके बारे में माँ बात करती थी, जिसके बारे में तू बात करती थी। किस्मत में जो लिखा है वो आएगा। दी तू जाके उसे बता दे कि तू तनु है। आने जाने से पहले राज अंकल और ऋषि का नाम लिया था। माँ पापा के लिए दी बता दे उसे। ये एक बार उसे मौका तो दे, उसे जान तो सही कि उसने मना क्यों किया था और अब वो आया क्यों है। तू ठीक कह रही है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो क्यों क्यों आया है। बहुत जरूरी। अगली बार जब मैं से बात भी तू मुझे मिलेगा तो इस चांद की चमक ऐसी पड़ेगी तेरी आंखों में कि तू पहचान लेगा कि मैं हूँ। और ये चांद मुझे भी बता देगा कि तू आया। बचपन में कहा था उसने, मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। अपने बचपन की दोस्त तनु के लिए। एक्सक्यूज मी, ऋषि कहाँ है? टेरेस पे ऊपर। थैंक यू। ओए मनप्रीते, ऋषि नहीं दिख रहा घर में, कहाँ है? बता दूंगा तो आंटी जी अभी जाके भाई के रोमांस की घंटी बजा देंगी। ब्यूटीफुल ना, ये कलर कितना सूट करता है आप पे। कुछ काम था आपको? नहीं, ऐसे ही पूछ नहीं सकती। यही सही मौका है, घुमा फिरा कर तनु को इस घर में आने से मना करना पड़ेगा। जब बरसों बाद भी तू मुझे मिलेगा ना तो तू पहचान लेगा कि मैं हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी कब से इंतजार था मुझे तुम्हारा। मुझे भी पता नहीं कब से तुम्हारा इंतजार था। तुम इंडिया मेरे लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों आया हूं इंडिया? मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो बस तुम्हें देखता हूं तो मैं देखता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम दिखती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं दिखती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं। बचपन की सारी यादें मेरे सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है मुझे तुमसे तुमसे क्या मुझे लगता है मुझे तुमसे तनु
तनु चाची, दीको क्यों ढूंढ रही हो? अरे दीको क्यों ढूंढ रही हो? तुम दोनों से बात करने आई थी मैं। क्या बात करनी थी? तुम छोटी हो ना, छोटी की तरह रहा करो, सुखी रहोगी। है मुझे क्या पड़ी? मैं तो तुम दोनों को समझाने आई थी कि जो मुंह उठाकर तुम दोनों बहने बाहर चली जाती हो ना, तुम मत जाया करो, क्योंकि ये मुंबई है, पटियाला नहीं। यूं बाहर जाओगी तो कोई अपना नहीं बैठा है वहां पे, समझी? यहां घर में कौन अपना है? चाची, कैची कैची जैसी जबान चलती है तेरी। कल को तुम दोनों लड़कियों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो सारे लोग तुम्हारी चाची को ही दोष देंगे। आपको कोई दोष नहीं देगा, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब राज अंकल आ गए,